चलिए एक्सरसाइज 3 है क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1 8 8 इंटू 3a माइनस 2b का ऑल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3a माइनस 2b। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन करना है। इसमें सीधे सीधे पता नहीं चल रहा है कि क्या करे, कॉमन ले कि बीच वाला को तोड़े कि क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उस परिस्थिति में आपको बस एक ही चीज करना है कि जो दो बार लिखा गया उसको दो बार आप लिखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा 8 × 3a - 2b और इधर हो गया 3a - 2b और -10 × 3a - 2b। बढ़िया से समझना है, ये तीनों चीज गुना में है, देखिएगा बढ़िया से देख लो, और ये भी तीन दोनों चीज गुना में है। देखो बढ़िया से समझने का प्रयास करो, तीनों चीज गुना में है, ये भी दोनों चीज गुना में है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। जैसे अगर ऐसे रहे 2 × 3 - 2 × 5, इस वाला टर्म को थोड़ा समझने का प्रयास आप करो कि इसमें इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में दो है, तो दो हम लोग कॉमन निकाल करके 3 - 5 लिखेंगे यस या नो, लिख सकते हैं। अगर यही चीज को हम ऐसे लिखे 2 × 2 × 3 - 2 × 5, बस ऐसे लिखे। अब बताओ जल्दी से, अगर कॉमन लेने की अगर बात होगी तो आप किसको लीजिएगा, जल्दी से उसमें बताइए, 2 को कॉमन लीजिएगा, कोई इसमें से ई वाला 2 दोनों को निकाल दीजिए, तो अंदर जब 2 हम निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये दोनों तो बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा बोल देना, तो 6 - 2 निकाल ही दिया तो 5 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब सेम टू सेम समझो कि ये भी तीनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में और ये भी दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में बाबू, तो इसमें से क्या निकालेगा तो ही लोग बताओ, 3a - 2b निकालेंगे बताओ। दोनों में से अगर मान लो कि इसको निकाल ही दिए, ये दोनों पे कॉमन है, दोनों मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, कोई भी मिल रहा है, 3a - 2b हम निकाल दिए, 3a - 2b निकाल दिए, अब मेरे पास क्या बचा, इधर से क्या बचा बोलो, 8 × 3a - 2b बचा कि नहीं बचा, और इधर से -10 बचा कि नहीं बचा, बचा कि नहीं बचा बोलो, तो बचा तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर ले, पहले 3a - 2b बढ़िया से लिख देते हैं, इधर 8 × 24 और -16b - 10। आप देख रहे हैं क्या कि यह भी एक कॉमन लेने के कगार पर है, क्योंकि यह भी किसी के टेबल में आ रहा है, देख लो बढ़िया से ध्यान से देखो, एक के मत हम 4-5 मिनट बोल दे रहे हैं, कैमरा के जो जुनून है ना ये आदमी को बर्बाद कर देगा, आजकल यही हो रहा है, आज इसका हम कहानी बताएंगे तुरंत, लेकिन पहले क्वेश्चन पर आते हैं, कितना कॉमन ले बोलो, 2 ले तो क्या बचेगा बोलो, 12a - 8b - हो गया। अब लेकर कुछ पूछेगा कि सर 2 कहाँ रहता है, अरे भाई 2 या तो एजा रखो या फिर यहाँ रखो, है कोई दिक्कत है क्या, अगर इसी को हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं कि 2 × 5 × 3, अब कोई कहे चाहे 3 + 2 तो कहेगा, इधर 2 + 5, और कोई कहे कि सर 5 के जा रहेगा तो अरे बोरा है इसको यहाँ लिखो या इसको यहाँ लिखो, दोनों तो एक ही बात है, यही आंसर हो जाएगा, अच्छा है ना, इसको उतार सकते हो, 1 × x + y का होल क्यूब -3x²/(x+y), इसको दो तरीका से बना सकते हैं, इधर देखो इसको दो तरीका से बना सकते हो, एक पहला फॉर्मूला रखकर, लेकिन उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको 3 बार लिखो बोलो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अगर दिक्कत नहीं है तो एक बात बताते हैं, तो ध्यान से सुनो, हम एक एक्सपोनेंट में सीखे थे कि अगर बेस सेम रहे, इधर देखो आधार सेम हो और इसका पावर अगर अलग अलग हो और गुना में हो रहा हो, एक आधार लिख करके पावर को जोड़ दिया जाता है, इतना सीखे हैं नहीं सीखे हैं,
तो देखो ये दोनों में देखो बढ़िया से, दोनों का आधार सेम, आधार सेम, अब पावर अलग अलग, एक आधार लिख के यानी एक्स प्लस वाई लिख करके पावर के दोनों जोड़ देंगे, थ्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बोला आ जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिखे। आप लोग को लगा सर तीन बार क्यों नहीं लिखे, एक्स प्लस वाई गुना एक्स प्लस वाई गुना एक्स प्लस वाई, वो भी लिख सकते हैं आप, लेकिन उतना कहे क्लिक करना है। चलिए ये हो गया, इतना समझ में आया कैसे हुआ, किसी को दिक्कत है तो पूछो। ये बोला समझ में आया पीछे लड़का, समझ में आ गया पीछे गौरव कुमार। अब बाकी इसको उतार देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस वाई, विशाल समझ में आया। अब देखो पूछेंगे उसके बाद बेलमुंड मत मेरा खराब करना फिर। देखो इधर, अब देखो बताओ, इधर भी तीनों गुना में और इधर भी दोनों गुना में, देख रहे हैं इधर दोनों गुना में, इधर दोनों गुना में, तीनों गुना में, तीन गो टर्म है तो कॉमन तो लिया गया ही, इसको ले लेते हैं एक्स प्लस वाई कॉमन हो गया, बोलो कोई दिक्कत? तो अंदर इधर वाला में क्या बचा, थोड़ा सा ब्रैकेट इधर यूज करना पड़ेगा आपको ऐसे करके, ऐसे इधर क्या बचेगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, इधर से ये वाला बचा, ये वाला तो निकाल ही लिया है, ये वाला बचा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स प्लस वाई तो रहने ही दो, और इधर हो जाएगा इसको एक्स रहने दो गुना ए स्क्वायर टू एक्स वाई प्लस माइनस हो गया, एक्स एक्स में गुना करिएगा कि नहीं करिएगा, करिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स में इससे गुना किया क्या हुआ, इसको से गुना किया तो माइनस, बोलो माइनस क्या लगे लगा, दोनों क्या होगा सेम होगा, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर बाई इसमें भी है, एक्स स्क्वायर बाई इसमें भी है, कि दोनों घटेगा, एक जैसा टर्म है लाइक टर्म है तो दोनों घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा तो करिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस क्या होगा माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बाई प्लस नहीं देता है क्या लिखे तो, आप देखिए कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है ना, तू लोग हंसने वाला हंसते रहे, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मेरा आंसर आया हुआ है। देखिए तीनों में से एक्स कॉमन लो, इतना सस्ता है क्या होगा, अब यही सर्वा मेरा दिया होता किताब में ही बोला तो दिया, लेकिन पूरा ठठा ठठा के हंस रहा कहा के लिए कि ना आई लाई। अरे भाई एक ही आंसर का दो तीन फॉर्म हो सकता है, लेकिन कॉमन का बात जहां तक है तो इसलिए किताब वाला ये वाला आंसर क्यों दिया, किताब वाला बोला कि बाबू इसमें से कॉमन निकल रहा है उसको भी। देखो एक बार फिर से इसको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, आपके ब्रेन तक पहुंच रहा हूं, अगर ब्रेन तक पहुंच जाए तो आप कॉपी कलम पर लिखना नहीं, ये क्वेश्चन को पुनः एक बार बना के आपको दिखा दे, अगर तू लोग के ब्रेन तक पहुंच जाता, जैसे ही ब्रेन तक पहुंचे तू लोग अपने से बिना देखे अब बना देना, मेरा सार्थक प्रयास हो जाएगा सफल और हम भी अपने आप को धन्य और
वाहवाही में अपने आप को खुश रखेंगे। गाता क्या है कि तीन गो है, एक्स प्लस वाई तीन बार लिखल है, एक्स प्लस वाई के तीन पावर है, मैंने तीन बार लिखल है। तो हम कहा कि दो बार और एक बार ही, तीन बार हो गया टोटल, और एक सीधा था तो था ही, बाकी ऐसे लिख दिए। अब इसमें हम पिछला गुना करके बताए थे कि इसमें एक वही टर्म है, वही टर्म है, वही टर्म है, तीन गो टर्म है इधर और बीच में है तो माइनस, और इधर में दो गो टर्म है जिसमें से एक्स प्लस वाई दोनों में मिल रहा है। देख लो, अब अगर दोनों में एक्स प्लस वाई मिल रहा है बाबू, तो इस पकड़ के मुट्ठी से दोनों में के झाड़ देंगे, एक गो लिख देंगे, एक गो लिख दिए मुट्ठी से पकड़ के, इसे करके एक यहाँ पर इसे बैठा दिए। अब कहे कि ये दोनों में के तो एक के चीज वहा थी तो हटा ही दिए, देखो इसे करके मिटा दे रहे हैं। देखो कहा दोनों के लिख दिए, एक चीज बता है दोनों में, एक चीज बता तो कहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए। बच्चा क्या, देखो ये वाला बच्चा और बीच में माइनस है और फिर ये वाला बच्चा, जब कॉमन ले लिया जाता है तो उस चीज को हटा दिया जाता है, बाहर एक एक के जगह लिख दिया जाता है। दोनों में एक्स प्लस वाई था, दोनों के हटा दिए, दोनों में से एक अकेले लिख दिए, ओके ब्रैकेट से घेर दिए, तो बचा ही वाला। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताओ, क्लियर हो गया। अब इतना गुना भागा करने की जरूरत नहीं था, यही से हम लोग थोड़ा सा ज्यादा हो गए या गुना करी मिटा दिए, बेकार मिटा दिए। नहीं नहीं बेवकूफ बना रहे हैं, देखिएगा। अब देखो यहां से समझाते हैं, एक से है तो एक से लिखे, लिखो क्वेश्चन है तो गुना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है कि नहीं होता, ए प्लस बी के होल स्क्वायर याद है ना, ये है ए और ये है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू ए बी टू एक्स वाई और बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस ए बना रहे। इतना क्लियर हो गया, ध्यान रहे इसके साथ गुना हो रहा है, देखिए यहाँ यही तक इसका ब्रैकेट है सब बंद है ना इसके साथ। चलिए यहाँ पर अब गुना करेंगे एक्स में स्क्वायर से, क्या होगा एक्स क्यू, फिर टू एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर दोनों में है, ये अंक घटेगा या बढ़ेगा जो भी वो करेगा, यहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ हो गया एक्स क्यू और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि तीन में से दो गया तो एक और बड़ा वाला का साइन माइनस और प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब तीनों में से x निकाल दीजिए बाहर, x प्लस वाई यहाँ रहेगा और x निकल जाएगा, तो एक x निकल गया तो दो गो x बचा, और एक x निकल गया तो खाली एक्स वाई बचा, और प्लस एक x निकल गया तो खाली वाई बचा, बचा कि नहीं बचा, समझ में आया नहीं समझ में आया, अभी भी आ गया पूरा गौर से देखो ना, जैसे एक नजर देख लो बढ़िया से देखो, उतारो नहीं अपने मन से बनाओ क्वेश्चन, उतार के अपने मन से देखो तो बना के, जहां पर फंसिएगा फिर बताइए कि यहां पर दिक्कत फिर हो रहा, तो वहां पर कोई आइडिया हम आपको जरूर देंगे, ना तो पूरा उतार देना जब तो बजे बच जाएगा, जैसे हम बोल रहे हैं उस तरह से नहीं, तुम्हें दिमाग खुल रहा है, तू लोग का एक क्वेश्चन कुछ और दिख रहा है, जैसे कि क्वेश्चन जिससे बनेगा उसको एक क्वेश्चन दूसरा टाइप का दिखता है एक ही आंख से, और जिससे नहीं बनेगा वो अजीब दिखता है, उसको लगा कि एकदम पूरा फंसा हुआ मामला है। तो आपको कैसा दिखना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, अगर आप आंख से देख रहे हैं इस क्वेश्चन का कैसा फॉर्म तू लोग का दिखना चाहिए, दू गो इधर गुना में है इधर दू गो गुना में है, बस अब कुछ नहीं दिखना चाहिए, और ज्यादा अगर ज्यादा कुछ दिख रहा है तो पागल है, मतलब दिमाग तुम लोग कभी खुला नहीं है, बस एक धर्म मन में पाले हुए कि बहुत हार्ड है, बस एक ही चीज हमको दिखता है, जब फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हम देखते हैं तो खाली टर्म में गिनते हैं हम कि के गो टर्म है, तो देख रहा है कि एन ए दू गो एन ए दू गो, बाकी अपना जाए कुछ में हमको उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम यही कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इसको हम लोग तोड़ दिए इसमें, और इसको हम लोग ऐसे तोड़ रहे हैं, अब मेरा आंख से ये दिख रहा है, हम अपना आंख से बता रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि इधर दू गो है और इधर तीन गो है, यही दिख रहे हैं, जेकरा में से ई वाला जो टर्म है एग्रो में है, हम यही देख रहे हैं बस, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर दोनों में है, तो हम क्या करेंगे इसी को कॉमन लेंगे, इसी को कहेंगे कि बाहर निकाल देंगे,
आइए बाहर निकाल दिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाहर निकाल दिए, मतलब कि दोनों खत्म हो गया, क्लियर, निकाल दिए, अकेले लिख दिए, बचा अंदर क्या, तो यही दोनों बचा। जिसको नहीं समझ आता पेंसिल से लिखो और कहो कि जिसको निकाल दिए उसको निकाल कर दोनों मिटा दो, तो बचेगा वही अंदर लिख दो ऐसे ब्रैकेट को बरकाव करके, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर और माइनस थ्री एक्स वाई थ्री एक्स स्क्वायर वाई, हो गया क्लियर। अब इसका कैलकुलेशन करना है अंदर में, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा देख लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर तो बाहर है ही, इंटू एक्स रहने दो अभी, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, बस इतना सा हो गया और कुछ नहीं। उसके बाद हमने देखे कि एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर यहाँ पर इसको किए तो एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, यही हो गया, ठीक है। और माइनस में रहने देते हैं, कोई दिक्कत, माइनस में रहने देते हैं इसको, तब क्या हो गया, तब देखिएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सब चीज तो वही रहेगा जी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई के होल स्क्वायर, हो गया इतना हो गया। अब इसमें से एक्स निकाल लेंगे तीनों में से, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर और एक्स तीनों में से निकल गया तो एक्स, तो अंदर क्या बचा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, एक तो बचा। अब ज्यादा खुश होइएगा करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, लेकिन अब उतना नहीं, यही आंसर हो गया, बस सिंपल आया सबका, आया अगर तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन बोलिए जल्दी, 9 के बाद कोई क्वेश्चन है अगर आपको पूछना है तो जल्दी बोलिए। बोलो जल्दी बनाए हैं 24, चलो 24, अब पीछे हम नहीं आएंगे तो फिर हर किसी को उधर दिक्कत नहीं है, तो 24 चलिए 24 देख लेते हैं। पता लेकिन के पकड़ के जबरदस्ती कहा जा रहा है कि बोला कौन वाला पूछो, कहीं 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 कोचिंग में बता फिक्स है, तो आदमी के जितना ही नसीब होता है उतना ही वो इधर आता है, कहीं कहें कि 10 क्वेश्चन बना करके और टीचर एकदम कब खत्म किया आपका, इतने में से आएगा, इतने ही में से आएगा बस, और ज्यादा नहीं आएगा, बस इतने इतने याद कर लो मैथ में, कह रहा है कि एनडीए बनेंगे, हम ही सिखा रहे हैं, हमरे सीखल का कह रहा कि एनडीए बनेंगे हमारे पर। एनडीए का फुलो फॉर्म कम से कम पता चल जाए कि नो डायलॉग के अलाव, डायलॉग नहीं चलेगा खाली, है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है ना एनडीए का फुल फॉर्म, लेकिन हम कह रहे हैं कि एनडीए मतलब यही होगा कि नो डायलॉग अलाव, खाली डायलॉग से काम नहीं चलेगा। आइए देखते हैं इसका, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन में दूर दूर तक कहीं शुरुआत में किसी प्रकार का कोई कॉमन का संभावना नहीं दिख रहा, तो इसको कॉमन में बनाने के लिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे, विस्तार करेंगे थोड़ा सा, इसको विस्तार करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सब लोग के कहां गलती होने का संभावना है, क्योंकि बाहर से अंदर वाला साइन में गुणा नहीं करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो क्या क्या लीला होगा इसके साथ, ई वाला के रख दे और इसके साथ ई वाला के रख दे, तो ग्रुप बना लेते हैं,
तो करते हैं ग्रुप में ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर और प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एंड एक्स वाई स्क्वायर। काम मेरा शायद हो जाए। अब देखो कॉमन कैसे लेंगे, तो एक्स मिल रहा दोनों में और ए मिल रहा दोनों में, तो सबसे पहले दोनों में के गो ए है, एक गो ए इधर है, दो गो इधर है, एक गो ए लिख लिया आएगा, कम वाला लिख लिया था है, एक्स टू गो है, एक गो है, एक्स थ्री लिया गया, तो अंदर क्या बचा, ए तो निकल ही गया इसमें, तो बी बचा और एक्स भी एगो निकल गया था, एक्स भी बचा, बोलो कोई दिक्कत। अब माइनस है तो माइनस, फिर देखो एक्स एक गो निकल ही गया तो कुछ नहीं, और ए दो गो एगो निकल गया तो ए भी बचेगा, बाई ए ए बाई ए दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अब बताओ इधर आओ, अब इसमें से देखते हैं कौन कॉमन ले आएगा, तो बी दोनों में है और बी दोनों में है और वाई दोनों में है, तो बी दोनों में एक दो को इधर है, एक इधर तो एक को और दो को इधर, एक इधर तो एक बाई, तो अंदर देखो अब इसमें से पहले चुनो कि ए को बी लिया गया तो कुछ नहीं बचेगा, दू वो बाई है तो ए को तो रहेगा और ए इधर है तो ए बाई, देख रहे हैं ए बाई, उसके बाद माइनस बी ए को निकल गया तो ए को बचा और बाई ए को निकल गया तो एक से बचा। लीला तो कुछ हुआ लेकिन साइन में अलग अलग इधर उधर पलट उलट गया है, पलट उलट गया कि नहीं गया है, देखो कैसे पलटा, इधर बी एक्स का साइन है प्लस, इधर बी एक्स का साइन आपका माइनस, इधर ए वाई का साइन आपका माइनस, इधर ए वाई का साइन पॉजिटिव है प्लस है, इसका मतलब गड़बड़ कुछ हो रहा है। अब इसको सही करना है, यानी कि ई वाला के उठा करके हमको ऐसे कर देना है और कोई चेंज भी ना होना चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना भाई कैसे चेंज करें, तो एक्स इंटू बी एक्स माइनस ए बाई रहने दीजिए, बढ़िया से क्लियर हो गया। अब आप क्या कीजिए, प्लस लिख करके देखिए क्या कीजिए, बी वाई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए खाली, और बड़ी ब्रैकेट निकालने के बाद कहिए कि ए बाई और बी बी एक्स में से माइनस हम निकालना चाहते हैं, ये दोनों में से माइनस निकालना चाहते हैं, देखो क्या बोले, हम बी वाई तक लिखे हैं देखो, और बी वाई के बाद हमें को ब्रैकेट दिए हैं और कहे हम कि ये दोनों में से माइनस हम निकालना चाहते हैं, तो माइनस निकाली पहले से काटिए बताओ, ये प्लस में और माइनस निकाल दिए तो क्या बचा बताओ, बोलो देखो क्या ए बाई सोची मैं बाबू, प्लस में आई माइनस निकाल दिए तो क्या बचा अंदर, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद देखो ई क्या में है, माइनस में है, हम निकाल दिए तो अंदर क्या बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ये माइनस सोची में गुना में है, किसके गुना में, इसके इधर इसका भी गुना में है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स इंटू बी एक्स माइनस ए बाई माइनस प्लस माइनस बी वाई इंटू, अब इसको सही से लिखो, अब सब खेला हो चुका है, पॉजिटिव वाला पहले लिखो निगेटिव वाला बाद में लिखो, अब यही बातिया लिखा गया कि नहीं लिखा गया, हो गया, अब दोनों में से वाला बात कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, बी एक्स माइनस ए वाई और इधर क्या बचेगा बाबू, ए एक्स माइनस बी वाई, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया किसी को तो इंडिकेट करिए कि यहाँ पर हमको बड़ा दिक्कत हो रहा है फिर से। आप देखो एक क्वेश्चन फिर से तू लोग को दे रहा है, इसको बनाना, इसको पहले उतार लो, पहले वाला क्वेश्चन बना के दिखा दो, इसे ए प्लस सॉरी ए माइनस बी देखो टू इंटू ए माइनस बी माइनस थ्री इंटू बी माइनस ए, इसको बना दो। अब ज्यादा तुम लोग को अगर समझ में नहीं आए, देखो एक चीज बता देते, इधर देखो इधर बी एक्स माइनस ए बाई इधर ए बाई माइनस बी एक्स उल्टा पुल्टा हुआ है, तो देखना क्या करना कि इसको तुम ई जैसे लिखा है उसका लिखना, लेकिन ई वाला के साइन चेंज कर देना बस, यहाँ पर क्या करना माइनस लिख देना, बाकी जैसे लिखा है उसे चेंज कर दे सकते हो, हल बीच वाला के साइन चेंज करने के लिए इतना ड्रामा किए, ठीक है।
हो गया सबका। अब देखो ए वाला कैसे बनेगा बताओ जल्दी से। इसमें ए माइनस बी है, इसमें बी माइनस है। इधर देखो बाबू, तो कैसे बना है देखो। इधर ए माइनस बी है, बी माइनस है, तो टू ए माइनस बी लिखो। यहाँ पर खाली माइनस कर दो, प्लस कर दो, यहाँ पर लिख दो ए माइनस बी। बीच वाला साइन को बस चेंज कर दीजिएगा तो सब चीज हो जाएगा क्लियर। समझ में आया? बस यही करना है, ज्यादा नहीं समझ में आ रहा तो इसी तरह। अगर दोनों में उल्टा पुल्टा है बीच वाला, देखो अगर ए माइनस बी उल्टा लिखा हुआ है, बी माइनस है, तो यहाँ वाला साइन को चेंज कर दो पकड़ के, बाकी सब हो जाएगा क्लियर। हाँ, कोई अगर पूछेगा कि कौची किया तो उसके लिए हम देखो कौची किए थे, अंदर कौची खींचे थे, से ब्लडे खींच लिए थे माइनस। जब माइनस खींच लिए तो देखो क्या निकला, अंदर में जो बचेगा वही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा सवाल था, और आगे पूछो जल्दी ले बताओ, एक और क्वेश्चन ले लो जल्दी बताओ। तो पीछे वाला बॉयज लोग बताएगा, बताना बी माइनस सी और माइनस प्लस है टू थ्री एक्स स्क्वायर बाई इंटू सी माइनस बी क्या होगा बताओ। इसका जल्दी आंसर बताओ क्या करें, बोलो। एक्स बाई इंटू बी माइनस सी क्या होगा जी, बोलो बाबू। इधर अरे इधर बोलो बी माइनस सी। यहाँ पर क्या करें, यहाँ क्या करें, क्यों माइनस करे, क्योंकि यहाँ हमको साइन को चेंज करना है। यहाँ माइनस कर देंगे ना तब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। हमने क्या बताया कि अगर यहाँ वाला को चेंज करना है ऐसा, तो आपको बीच वाला को खाली चेंज कर देना है, बाकी सब हो जाएगा, बाकी सब फर्स्ट क्लास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो करके भी देख सकते हो, सी का साइन माइनस प्लस माइनस है, यहाँ से सी का साइन माइनस माइनस प्लस है, देख लो। ये तो भगवान ने आपको आंख दिया है। देखो बी का साइन देखना है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ बी का साइन देखो प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत हुआ। इधर सी का साइन देखो प्लस 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 प्लस, तो यहाँ भी सी का साइन देखो माइनस माइनस प्लस, क्लियर है ना। तो लोग बीच में कहा आ जाती है, तो लोग उधर बैठना नहीं है, सेवन एट वाला चक्कर से सिखाना पड़ेगा। आगे बोलिए आगे बोलिए, क्लासरूम चलते रहता है, लोग आ जाते हैं। बत्तीस, बत्तीस से पहले कोई क्वेश्चन है जल्दी बोलो। थर्टी वन, थर्टी वन, चले 25 अगर बन गया तो 31 भी बन जाएगा उसी तरह का। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी प्लस वन प्लस बी क्यू। बाबू इसको सीधे सीधे एक्सपेंड करो, कोई उपाय नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं काम करेगा। बैठ करके एट वाला जहां खिस्सा की देख लिए, देखो क्या दुर्गति करेंगे। इसको करो गुना करो सीधे, क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यू। कैसे हुआ तो देखो, इसको मैं इसको से गुना किया तो ए और बी दू गए, तो बी दू गए लिखे, इधर देखने का छापने का नहीं। फिर यहां से देखो ए बी में वन से किए तो ए बी खाली हो गया। अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं कि इसको किसको एक साथ करे, बच्चा बोला कि सर ये दोनों एक साथ कर दीजिए अच्छा रहेगा। अब बताओ इसमें से ए और ए कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, इसमें ए बचा और इसमें प्लस क्या बचा, बी स्क्वायर बचा कि नहीं बचा। इधर देखो ड्रामा कर रखे है। एट वाला जब भी आएगा तो उधर बैठेगा, ठीक है, उधर पीछे सीट खाली रहेगा उधर बैठेगा, डायरेक्ट क्लासरूम में नहीं आना है, ठीक है बच्चे। देखिए अब इसमें से किसको ले हम बताओ, किसको ले, बी तीन को इधर एक बार कितना ना बी अंदर क्या अच्छा इधर क्या अच्छा, तो ए को बच गया दोनों में ए प्लस बी का हॉल ए प्लस बी ऐसे और एक बच्चा, ठीक तो है।
सिंपल क्या किया हम, गुना करके और उसका कॉमन लेकर के सीधे किए, कोई दिक्कत नहीं। इकतीस नंबर बन जाएगा इसी तरह का है, गुना कर लीजिएगा, ठीक है, बना दिया जाए। स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस ए, करना क्या है एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस गुना होगा तो एक्स क्यू और प्लस एक्स प्लस ए, और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और ए भी कॉमन ले लीजिए, क्या बचा ए प्लस एक्स, और यहाँ पर प्लस वन कॉमन ले लीजिए तो उधर ए प्लस एक्स का हो या एक्स प्लस ए का, दोनों एक ही बात है, एक हो गया ए प्लस एक्स और एक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हो गया, समझ में आया नहीं समझ में आया, समझ में आया किसी को, अगर नहीं आया तो बोलने का है, समझ में आया, अच्छा आ गया, टेस्ट लेगा उस दिन पता चलेगा, इसलिए अभी जल्दीबाजी में तू लोग मत पूछो, हम एक के दिन तो तू लोग से पूछते हैं, अब बोर्ड पर उछल बुला करके अभी अब से इससे होगा, ये से हाथ कर देना है पीछे से पीठ पर लाठी, देख रहे हैं, देखिए लाठी रखते हैं, देख लो, इसीलिए पहले ही से अपना तू लोग, हम देखो हमारा काम है पूछना कि तू लोग कह दे कहवा दे कि हाँ समझ में आया है जल्दी जल्दी, लेकिन आप लोग का काम है कि असलियत क्या है आप लोग बता सकते हैं, हम तो कहेंगे जल्दी जल्दी कि समझ में आया, तू लोग कहो कि हाँ अब समझ में आया है, देखो अब जान के इतना कर रहा, देखिए इधर क्या करना, देखो एक बार रिपीट कर रहा है, कौन वाला यही वाला ना, ये वाला समझ में आया, देखिए इसको क्या करना है, ये वाला ऐसे गुना में है कि गुना बहुत सारा बच्चा को कंफ्यूज हो जाता है कि ये वाला सर एन ए लिखल है, अरे भाई एन ए लिखो या एन ए लिखो, बात देखनी है, अब इसको गुना करो x में ए एक्स स्क्वायर से तो एक आए और एक्स स्क्वायर के बार दू आएगो तीन एक्स स्क्वायर तो एक तीन हो गया, इसके बारे में हम बोले इसके बारे में कर दिए समझ में आया, फिर प्लस एक्स में एक्स किए तो एक्स आ गया, चलिए इसका क्लियर हो गया, अब रहा कॉमन का बात, तो चार को टर्म है जगह से दो दो को कॉमन हम लोग लेंगे, तो इसमें से दो दो में से लेंगे तो देख रहे हैं कि इसमें भी ए है इसमें भी है, इसमें दो गो है इसमें एक गो है, तो कम वाला लिया जाता है तो एक ले लिए, एक तीन गो है इसमें दो गो है तो दो गो ले लिए, तो देखो आप बताओ अंदर क्या बचा है, ये सोचेंगे इसमें दो गो ले लिए हैं, सॉरी एक गो ए ले लिए हैं, दो गो है इसमें है, देखो एक गो निकाल लिया तो एक गो बचा, और प्लस इसमें एक गो ए है पहले ही से निकाल ही लिए एक गो तो खाली ए तो नहीं बचेगा, लेकिन एक स्क्वायर दो गो है तीन गो है, दो गो बाहर निकाले तो एक गो बचेगा यहाँ, देख रहे प्लस, अब यहाँ पर x प्लस ए लिखो या ए प्लस एक्स लिखो, साइन का चेंज अगर माइनस रहता तो ऐसे नहीं लिखते, लेकिन प्लस में इसलिए हम लोग अदला बदली कर सकते हैं, इसलिए लिख दिए इसको कोई दिक्कत, अब यहाँ पर ये दोनों मिल गया कॉमन हो गया और ये दोनों मिल गया इसको कॉमन कर लिए, दोनों का हो गया सिंपल। अगला 32 भी उसी तरह 32 में गुना करके आपको बनाना है, ठीक है, अगला है आप लोग का, देखिए अब मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, इसी चैप्टर में से ज्यादा भी आना नहीं हमको, 34 से लेकर 820 तक इसको फिर से एक बार बना के आइएगा, आपको बोर्ड पर बुलाएंगे कल परसों, कल मेरा बैच नहीं है, मेरा कल सस्पेंड है, 5 बजे कल आना है, उनका है ज्योमेट्री वाला पोर्शन, जहां सुन गए किसी के बारे में उपद्रव करते खाली, फिर समझना तू लोग इसका जिम्मेदारी आप ही लोग के ऊपर होगा, जाइए उधर जाके पढ़िए, शुक्रिया।